अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज ब्लॉग शुरू किया जुमे के बाद, क्योंकि सुबह से बीमार पड़ा हूँ, सुबह से कि ईद के तीसरे दिन से बीमार पड़ा हूँ। हाय, जब से गए पिछला ब्लॉग देखा होगा, अच्छा तब से बीमार पड़ा हूँ। अभी उठाऊँ, फ्रेश हो के जुमे की नमाज़ पढ़ी है, अच्छा तो बारिश लग चुकी है। अच्छा गाइस, वहाँ पे देख सकते हैं आधी धूप लगी, आधी बारिश लगी हुई है। मैं भी कब्रिस्तान में आकर दुआ शो करते हैं, फिर चलते हैं घर पर। तो गाइस मौसम चेक करें आप, किस कदर प्यारा मौसम हुआ है। ये देखो यार, बारिश आई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बारिश। आपके भाई ने शेव शुरू कर दी है, थोड़ी शेव नहीं, थोड़ी बियर्ड को थोड़ा नीचे कर दिया है, और अल्लाह आपका भला करे, बादशाह भी कटवा लें। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा मशरूम सा बच्चा बन गया, मुझे अल्लाह दें, वो अल्लाह दें बात है, तो फिर भी गुजारा हो गया। मौसम चेक करो यार, बारिश लग रही, कितनी प्यारी बारिश भी लग रही है। लोग आ रहे हैं दुआएं करने कब्रिस्तान में, तो ये बच्चा जा रहा है अपने वाले साहब की कब्र दुआ करने। तो गाइस जाते हैं अभी मीरब के घर, जो कि मेरी भांजी है, तो उसको वहाँ से उठाता हूँ, फिर चले जाएंगे घर पे, जाके रोटी छोटी मारते हैं, भूख लगी हुई। और आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा कि नज़र लगा हुआ है। चलते हैं घर पर, देखते हैं क्या सूरत हाल है। गाइस मेरे को लेने आए, देखो क्या कह रही है, उल्टे कपड़े पहने हुए हैं। अगर इसको घर भी छोड़ दिया क्योंकि बारिश है बड़ी टाइट वाली, तो मैं जाता हूँ घर पे, जाए कि देखा क्या पका खाने में, फिर जाए खाते हैं। तबीयत ठीक नहीं है यार, ज़रा पूरी बारिश लगी हुई है। फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, घर सब कुछ बंद किया, घर क्या था, क्योंकि घर पे है कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग पानी भर के लेके आए, मगर आजकल पानी घर पर आ रहा है, और कितना प्यारा पानी के नज़र लग गई नज़र लग गई, पानी चला गया। और घर देखो कितना प्यारा लग रहा है, मौसम देखो कितना खूबसूरत मौसम है। आपको मैं छत से जाकर दिखाता हूँ। हाँ, अब देखो कितना प्यारा मौसम है, कितना मज़ा आ रहा है। ये देखो क्या बारिश आई हुई है, ये कल रात को बारिश लगी थी, उसके बाद देखो मौसम कितना प्यारा हो गया। ये देखो कितना प्यारे बादल शाडल आए हुए। अब देखो कटिंग, क्योंकि पहले तो ये था, अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देख करो। ये करेगी कटिंग, अजीब सा लग रहा हूँ, खैर ऐसा ऐसा देखने की आदत पड़ जाएगी आपको, तो इंतजार देखते हैं क्या पका खाने में। यार नीचे जाने का छोड़ो, पहले आप ये मौसम चेक करो, ये सामने अंकल इनकी कल गिर दीवार गिर गई थी, आज उन्होंने क्योंकि बारिश तेज़ हुई है ना, तो नीचे से जो दीवार है उसके नज़दीक पानी लगता रहा ना, उसको पानी लगता रहा, रोड नीचे से सारी खोखली होती गई है, जब बारिश ज़ोर की लगी है तो अल्लाह आपका भला करे, सारा पानी पीछे से आया, पूरी दीवार के नीचे गिर गई है, तो आज उन्होंने मुकम्मल करके बना ली वापस। बस देहातों का यही होता है कि नरम जगह पर जहाँ पानी बारिश ज़्यादा लग जाए ना, तो वहाँ पे नुकसान होते रहते हैं थोड़े बहुत। तो बारिश चेक करो, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। ये देखो बारिश आ चुका अंदर गली में, गैरली में आ गए उतनी में, और बारिश देखो कितनी प्यारी बारिश लगी है, कभी तेज़ हो रही कभी हल्की हो रही, मगर हो रही बड़े मज़े की है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और हमारी टर्बाइन जो खड़ी हुई है, अभी जाते हैं इस पर जाकर पैकेज करवा के आते हैं नेट का, चल आपका भला करे, देखते हैं क्या सूरत हाल अगली। गाइस रोटी बनने में टाइम लगेगा, और तब तक मैं जाकर पैकेज करवा के आ जाऊँ अपना, बारिश हो गई, बारिश लगी हुई है, हाय हाय कितना मोटा किला मेरे से चढ़ा हुआ, टर्बो देखो किसी गंदी भी पड़ी है। बारिश लग चुकी है, बारिश सारा गीला, और जा रहा है पैकिंग करवाने के लिए, अम्मी ने बुला लिया, बोलो बारिश लग गई, वो नीचे खड़ा हुआ छत के चिड़ियों की छिड़ी साथ नहीं देखी, अभी देखो बारिश आपको कितनी प्यारी बारिश लगी। बारिश जो है ना उस तरफ की बारिश है, तो मैं यहाँ पे छपरी के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे बारिश नहीं लग रही, मगर बारिश उस तरफ की वहाँ डायरेक्ट सीधी जा रही है, देखो वहाँ पे देखो
यूँ आगे की तरफ जा रही हूँ, आगे की तरफ बारिश जा रही है। अरे हमारा छोटा सा घर, ओहो बारिश चला गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। ये गांव की बारिश है, कभी पता नहीं किस टाइम आ जाए। अभी सुबह के टाइम यहाँ पे धूप लगी, सही कड़क वाली धूप, अभी एकदम से बारिश आ गई। अब मैं आ गया छपरी के नीचे और यहाँ पे दीवार पे खड़े होकर देखते हैं क्या सूरत हाल है, यहाँ से देखते हैं। तो बारिश लगी है, बारिश में निकलने का कोई मूड शोर नहीं है। अगर बुखार है, अगर और निकल के बाहर सब कुछ काम ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ के अंदर बैठ चुका हूँ, गर्मी है यार, नहीं गर्मी नहीं सॉरी, बारिश लगी है, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि आगे नज़र लगा हुआ और कोई काम ना बन जाए। चलो तो बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, तब तक रोटी भी पकड़ी, रोटी भी खा लेंगे। आ जाने गाइस, बारिश रुक चुकी है और मैं जाके फटाफट पैकेज करवा के आ देता हूँ। तो ना जाते हैं फटाफट पैकेज करवा के वापस आएंगे, वाला मौसम चेक कर। ओए होए 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 क्या आउट क्लास, ओए होए सारी गिली होगी। तो अच्छा भाई ये ओह माय गॉड क्या स्लिपिंग बनी है। मुझे पुराना मेरा फिर से दोस्त मिल चुका है हमारा यार, छोड़ो बिस्टुक कल बैग लगा के आगे मुड़ जाना, वो उसको भी साथ के जा रहे हैं पैकेज करवा के। अभी 5 मिनट में वापस आते हैं। कूड़ सारा सच है, कूड़ नहीं है। बारिश के बाद रोड कितना प्यारा हो गया, दुकान रही है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
my shadow through the sun rays and तो गाइस यहां से पैकिंग नहीं हुआ, यहां पे खत्म है, जाते हैं और दुकान पे वहां से पैकिंग करवाते हैं फिर जाते हैं। हां क्या गाइस पैकेज यहां पे अभी नहीं आया यार, शाम को आएंगे, शाम को आगे लगवा के जाएंगे। पैचक शामी आसा तेलो आसा मोबाइल आता पैको जॉन। तो गाइस फाइनली घर पहुंचे हैं, क्योंकि पैकिंग तो है नहीं, मेरा जान फजूल ही हुआ है। मैं ने मना किया था नहीं जाना, मगर फिर चला गया मैं, ना सुनने का अंजाम ये होगा, पैकेज कहीं पे भी नहीं है, सारे बोल ख़त्म हो गए, अभी आएगा फिर शाम को जाएंगे करवा के आएंगे पैकेज। चलो रोटी खाते, भूख लगी यार। गाइस पानी चेक करो यार, ऐसे आ रही था अभी माशाल्लाह है, सब कुछ भरा हुआ है, अभी फिर भी आ ही जाए। इसके साथ साफ पानी है, पानी का प्रेशर चेक करो, ऐसा नहीं आता, आज आ गया। तेरा मुंह गीला हो गया, पानी आज माशाल्लाह काफ़ी खुला है, ये 3-4 हफ्ते हो गए पानी ज़रा काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया। गाइस यार मौसम देखो कैसा चल रहा है, ठीक है, अभी बारिश लगी हुई थी जैसे मैंने दिखाया आपको, तो अभी अल्लाह आपका भला करे ऐसी कड़क धूप लगी इसका अंदाज़ा कोई नहीं। खातों में छत जाकर जो को मौसम प्यारा हो गया है, हाय 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 मज़ा आ गया। सबर खूबसूरती चेक करो कितनी प्यारी, बिल्कुल साफ निखर के सामने आई है, ये देखो आसमान बिल्कुल साफ हो गया, थोड़ी देर पहले आपने देखा था बारिश आई हुई थी पीछे की तरफ आई है, मगर ये आसमान देखो कैसा साफ हो गया, सूरज अच्छा बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अजीब ही मौसम चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही इस मौसम की, थोड़ी देर पहले आपने देखा कितनी तेज बारिश हो रही थी, अभी कैसी कड़क धूप लगी हुई है, और सारी जगह पे देखो कितनी प्यारी फिक्स लगी हुई है, ये नहीं है कहीं कम कहीं ज़्यादा, बिल्कुल फिक्स लगी हुई है जहाँ जहाँ पर लगनी चाहिए, ये देखो कितनी तेज़ लगी हुई है, कोई भी शाम ढूंढ रहे हैं। मौसम चेक करो कितना प्यारा होगा, यह अगर ठंडी हवा चल रही है इसलिए गर्मी का एहसास नहीं हो रही, तो धूप बहुत कड़क लगी हुई है, इसे मौसम चेक करो कैसा ज़बरदस्त मौसम हो गया यार, और बारिश के बाद जो ग्रीनरी सामने आई कितनी प्यारी लग रही है, देखो बिल्कुल साफ, जैसे वैसे बारिश ना हो ना 2-3 दिन तो नीचे से गाड़ी चलती रोड पे और रोड पे धूल मिट्टी उठती है ना, तो सारे दरख्तों पे इधर उधर सब गिर जाती है, उसकी जो शाइनिंग है हरापन है जो पौधों का वो सारा ख़त्म सा हो जाता है ना, मतलब छुप जाता है उस मिट्टी के नीचे। तो अभी अल्लाह आपका भला करे बारिश हुई है इतनी प्यारी हुई है आपके सामने, तो उसके बाद का मौसम देखो कितना प्यारा हो गया, बिल्कुल साफ, उसकी ग्रीनरी बिल्कुल सामने आ गई है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ लग रही है, मेरा चेहरा भी आपको सही नज़र आ रहा हूँ। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, गांव के यही तो मज़े होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ खालिस और ताज़ा होती है। फाइनली शाम का मौसम आ चुका है, शाम का मौसम या शाम का टाइम, और मौसम चेक करो आप कितना प्यारा हुआ है, हवा चल रही है प्यारी प्यारी, ये देखो कितनी प्यारी है हवा चल रही है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इधर बादल है, इस तरफ बारिश आई हुई है मगर इस तरफ बिल्कुल आसमान साफ है, आप चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। अभी जाके देखते हैं पैकेज आ गया होगा या ना आया होगा, देखते हैं जाके पता करते हैं क्या सूरत हाल है। राइजिंग हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है मौसम, सबर अभी देखो पीछे से जाते हैं सेवियाँ जाके पैकेज के पता करके पैकेज आया कि नहीं आया, कब से इंतज़ार कर रहे हैं यार।
अभी चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। ग्रीनरी चेक करो, ग्रीनरी शेरिया बस कितने मजे की जगह बनी है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा, देखो बस पैकेज तो नहीं मिला, फिर खजल खुआ को वापस आ गया। जाता हूँ शाम की तरह, शाम और मैच खेलने पर लगा हुआ है, देखते हैं कितना ये खेला है कितना ही नहीं खेला, जाके देखते हैं। ये अपर एरिया चेक करो कितने प्यारा लग रहा है, दरख्त देखो कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, वहाँ पर सनराइजिंग हो रहा, देखो कितने प्यारा लग रहा है। गाइस मोटा लगा हुआ एम्पायर पे श्याम मानी से मैच जीत चुके मैदान में, अब ये आखिरी बॉल है श्याम ने बेईमानी किया, जीत गया मैच मैं हूं। तो गाइस अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, ये और नीचे मैच खेल रहा था, मैच इसको पकड़ के लेके आया मैं, जाके गिरवाने गया, फिर किसी तरह चक्कर लगा, ठीक है पैकेज नहीं मिला था आपका भला करे, तो फिर अभी जा रहे रोटी लेने के लिए, जाते पता करेंगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि घर में पके हैं पाए और जाते नान लेके आते हैं, अच्छा फिर खाते हैं फिर क्या सूरत हाल है आप बताओ। तो कोई सूरत हाल नहीं, पैकेज करवाना है अभी, चले जल्दी रोटियाँ ले ली यहाँ से, और यहाँ से एक अल्लाह का नेक बंदा मिल गया जिसके पास इजी पैसा था, उसने पैकेज मेरा कर दिया यार, बड़ी मेहरबानी यार, अल्लाह को खुश रखे, मेरा पैकेज कर दिया उसने। श्याम जा रहा था गाइस, अब जा रहे हैं घर, कोई खाना वाना खाएं, बस दफा हो जाओ घर जाओ, चलो गाइस मिलते हैं, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़, सुबह अल्लाह हाफिज़, चलते हैं रोटियां ले, रोटियों के हाल बन गए, पचक्की हैं, श्याम वो जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ घर पे, की तरफ जाके रोटी खाता हूँ, आपको घर पे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली खा लिया आपको मैं दिखाना भूल गया था, सांस नहीं लेने हो रहा, मुंह में भी चिपचिप है उसकी, क्या नाम है, पिच पिच है तो बड़े मज़े के पके थे, पेट भर के खाया, मज़ा आ गया, खा लिया क्योंकि ये मेरे फेवरेट है, और इसको खाने में जो मज़ा है ना कि पूछो मत, किस लेवल का मज़ा है, नेक्स्ट लेवल का मज़ा है इसमें यार, मज़ा आ जाता खा के पाए। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ भी करता हूँ एंड, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा बना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।